दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसमें ये बात कही गई है कि अगर हम चाहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, तो कंट्रीज को जो है जल्द से जल्द ऑयल और गैस प्रोडक्शन को जो है वो फेज आउट करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंटेन करने के लिए फॉसिल फ्यूल बर्निंग खास करके आए ऑयल और गैस प्रोडक्शन जो है उस पे सभी देशों को एक चरणबद्ध तरीके से, एक फेज्ड मैनर में रोक जो है वो लगानी होगी। इस विषय पे हम विस्तार से जो है चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स है, यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो मौजूद है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो ये कोड SHUBH33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप बहुत ही मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे इस कोड की मदद से ले पाएंगे। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है, जिसमें जो साइंटिफिक कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी ग्रुप है, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज समूह जो है, उन्होंने एक वार्निंग जो है वो दी है कि अगर जल्द से जल्द बड़े स्तर पर कट्स जो है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे ना किए गए, तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके, तो हमको ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रोकना होगा। और सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन इन ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में ऑयल और नेचुरल गैस जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका रहता है, तो इनको जल्द से जल्द फेज आउट करना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो ग्लोबल टेम्परेचर्स है वो इंक्रीज ना करें, क्योंकि उनके इंक्रीज करने से एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस में आएगा, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान जो है वो सभी जीवित प्राणियों को इस धरती के ऊपर जो है वो फेस करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा क्रक्स है इस आर्टिकल का। विस्तार से इसके बारे में हम बात करेंगे। जो एक्सपोर्ट रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी रिच कंट्रीज हैं, जो अमीर देश हैं, यानी कि जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं, जो कि डेवलप्ड देश जिनको मान सकते हैं, उनको 2034 तक, 2034 तक अपना ऑयल और गैस प्रोडक्शन जो है उसको जीरो करना होगा। वेयर एज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो रिचनेस की कैटेगरी में थोड़ा नीचे आती हैं, उनके लिए मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2050 की रखी है। ग्रेजुअली फेज आउट जो है वो इसको करना होगा। तो जो रिच कंट्रीज हैं, जिनके पास संसाधन मौजूद हैं, जो लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल चीज जो है वो रखी गई है, आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो कि 2015 में होती है, उसमें एक बात जो है वो की गई थी, जो कहती थी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है वो सामने लाया गया है कि जो रिच कंट्रीज हैं, उन्होंने, क्योंकि वो विकसित देश थे, उनके पास टेक्नोलॉजी, अगर हम बात करें व्हीकल्स की ही, तो ये सब चीजें जो है उन देशों के पास पहले आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने फॉसिल फ्यूल को बर्न करके जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन है वो काफी लंबे समय पहले ही शुरू कर दिया था एज कंपेयर टू दी पुअर कंट्रीज। तो इस वजह से जैसे उन्होंने स्टार्ट पहले किया था, अब इसको फेज आउट करने की जिम्मेवारी भी उनकी जो है वो सबसे पहले है कि वो फेज आउट करे। इस वजह से जो रिच कंट्रीज है उनको कहा गया है कि आप 2034 तक अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए ऑयल और गैस जो है उसको फेज आउट कर दीजिए, और जो बाकी कंट्रीज है उसमें मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2050 की रखी गई है, यानी कि 2022 में अभी हम हैं, तो करीब करीब 27 से 28 वर्ष का मैक्सिमम समय जो है वो देशों को दिया जाएगा। उसके बाद अगर ऑयल और गैस को जो है वो यूज किया जाता है, तो फिर क्लाइमेट चेंज को रोकना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऑयल और नेचुरल गैस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो देश भारत के अंदर भी और दुनिया के अलग अलग देशों में जो है वो माने जाते हैं, लेकिन अब ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि आज से ही, लंबे समय से हमको ये चीज जो है वो समझ में आ रही थी कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इस वजह से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो लंबे समय से बात कर रहा था, किस तरीके से गैस हाउस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को रोका जा सकता है, कैसे क्लाइमेट चेंज को, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जा सकता है। इसके लिए COP21 जो कि पेरिस के अंदर 2015 में हुआ था, वहां पर एक उद्देश्य जो है वो रखा गया था, जिसमें कोशिश ये की जानी है कि आने वाले समय में
जो ग्लोबल टेम्परेचर, अब ऐसा तो है नहीं कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज नहीं कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन उसको एक लिमिट तक राइज का किया, राइज होने के लिए जो है वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने होंगे, क्योंकि अगर एक लिमिट से ज्यादा वो टेम्परेचर राइज कर गया तो वो सबके लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होगा। तो COP21 पेरिस एग्रीमेंट में 2 डिग्री का मैक्सिमम बफर जो है वो रखा गया था विद रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा। इसमें ये बात कही गई थी कि जब इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं थी, जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, प्री इंडस्ट्रियल एरा था, उस समय जो ग्लोबल टेम्परेचर से उससे सिर्फ और सिर्फ एट मैक्स जो हम अफोर्ड कर सकते हैं या जो धरती सस्टेन कर पाएगी वो मात्र 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज है। तो पेरिस एग्रीमेंट पे ये बात सामने आई थी कि सभी देशों को मिलकर के इस दिशा में काम करना होगा कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज भी करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रयास सबका ये होगा कि इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो रोक के रखा जा सके, क्योंकि अगर ये 2 डिग्री से ऊपर जाता है तो फिर सीरीज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स जो है, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स होंगे इस क्लाइमेट चेंज के, वो हमको देखने को मिलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस शीट्स जो है वो मेल्ट करेंगे, जिससे वाटर बॉडीज का वाटर लेवल राइज होगा और कोस्टल एरियाज जो है वो दुनिया भर में सबमर्ज कर जाएंगे। इस वजह से अपने एरियाज को, अपने लोगों को बचाने के लिए ये कदम जो है वो हमको उठाने थे। और इसी दिशा में, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट में ये बात सामने आई थी कि हम सभी देशों को मिलकर के काम करना है कि हमको ग्लोबल टेम्परेचर्स को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है। और अब इस एक्सपर्ट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सर अगर आप चाहते हैं कि ये 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इंक्रीज को हम कंट्रोल कर पाए तो वो तभी होगा अगर अभी से विद इमीडिएट इफेक्ट हम फॉसिल फ्यूल बर्निंग को, ऑयल और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं। क्योंकि बड़ा सिंपल सा यहाँ पर एक कंसेप्ट जो है कि हमने टारगेट तो सेट कर दिया, लेकिन उस टारगेट को तक पहुंचने के लिए जो वे है वो अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे सामने यही है कि हम किस तरीके से फेज आउट करते हैं। आप देखिए, अनडाउटेडली सभी देशों की एक बहुत बड़ी निर्भरता जो है वो ऑयल और गैस के ऊपर है। इस वजह से फेज्ड मैनर में जो है इसको हटाना होगा। और इस वजह से जो रिच कंट्रीज है, जो डेवलप देश है, उनका पहला दायित्व है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत भी जो CBDR है, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या अर्थ है? पूरे के पूरे दुनिया का कॉमन गोल है ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, लेकिन इसको रोकने के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो सभी देशों का अलग अलग होगा, क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग के होने में भी देशों का कंट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग है। जो विकसित देश है, जो काफी लंबे समय से क्योंकि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर हो चुका था, तो उनका ज्यादा रोल रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन में भी और ग्लोबल वार्मिंग में भी। और इस वजह से एक कॉमन गोल की तरफ हमने जाना है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, लेकिन हर देश के अपने डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें जो है वो रहने वाले हैं। अब यहां पर ये बात कही गई कि जो वेल्दी कंट्रीज है, जो दुनिया के अमीर देश है, दे गेंड देयर वेल्थ थ्रू फॉसिल फ्यूल सिंस द अर्ली 1900s। 20th सेंचुरी के स्टार्ट से ही जो अमीर देश है उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज और फॉसिल फ्यूल को बर्न करके अपनी वेल्थ जो है वो गेन कर दी थी, यानी कि उन्होंने सबसे पहला एडवांटेज जो है वो फॉसिल फ्यूल्स का लिया था। और इस वजह से अगर सबसे पहला एडवांटेज फॉसिल फ्यूल का वो ले रहे हैं तो फॉसिल फ्यूल से होने वाले नुकसानों को भी कम करने का सबसे पहला दायित्व जो है वो इन देशों का है, ये बात इस रिपोर्ट में कही गई है। तो द प्रोसेस टू डीकार्बनाइज देयर इकोनॉमीज शुड बी स्टार्टेड बाय देम फर्स्ट। तो उनके द्वारा डीकार्बनाइज यानी कि कार्बन को जो है वो कम से कम एमिट करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम एमिट करने का जो काम है वो इनसे शुरू होना चाहिए, और ग्रेजुअली फिर ये पुअर कंट्रीज के ऊपर जाएगा, सो दैट दे हैव मोर लीनियंट टाइम फ्रेम एंड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज देयर डेवलपमेंटल गोल्स। आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि निर्भर करते हैं फॉसिल फ्यूल के ऊपर, ऑलमोस्ट सभी देश जो है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन जो पुअर कंट्रीज हैं उन्होंने एक डेवलपमेंट एस्पिरेशन जो है वो अपने लिए तैयार करी है कि हम इस तरीके से विकास जो है वो करेंगे, लेकिन अगर एकदम से उनको प्रेशराइज किया जाता है कि वो ऑयल और नेचुरल गैस को जो है वो यूज करना छोड़ दे तो उनके डेवलपमेंटल गोल्स जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित इससे हो सकते हैं। इस वजह से उनको एक लीनियंट टाइम फ्रेम जो है वो दिया गया है और 2050 तक का समय उनको दिया जाएगा, वेरस जो विकसित देश है उनको 2034 तक बाय ऑल मीन्स ये यूज जो है इसको फेज आउट करना होगा। टाइमलाइन फॉर दी फॉर्मर, यानी कि विकसित देशों के लिए टाइमलाइन जो है वो 2034 का है, और जो पुअर कंट्रीज है उनके लिए 2050 तक का, या जो डेवलपिंग देश है उनके लिए 2050 तक का टारगेट जो है वो रखा गया है। ये हाल ही में
क्लाइमेट एक्सपर्ट्स ने ये टाइमलाइन जो है वो जारी किए। कौन से क्लाइमेट एक्सपर्ट्स? फ्रॉम टिंडल सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज रिसर्च एट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेंटर के कुछ एक्सपर्ट्स ने ये टाइमलाइन जो है वो जारी किया है। और ये टाइमलाइन जो है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी देशों को ये तो मालूम था कि जो COP21 की कमिटमेंट्स हैं उसके तहत वो, क्योंकि COP21 की कमिटमेंट्स लीगल बाइंडिंग थी कि हमको ग्लोबल टेम्परेचर्स को 2 डिग्री से ऊपर जाने से रोकना है, लेकिन और सबके प्लान ऑफ एक्शन में ये चीज शामिल थी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम फॉसिल फ्यूल बर्निंग को कम करेंगे। लेकिन अब एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन जो है वो यहां पर दे दी गई है। ये जो देशों ने अपने लिए टारगेट रखे थे कि इस साल तक हम अपना फॉसिल फ्यूल बर्निंग जो है उसको कम करेंगे, उससे काफी ज्यादा है। द रिपोर्ट फेज आउट पाथवेज फॉर फॉसिल फ्यूल, तो रिपोर्ट का नाम जो है वो था फेज आउट पाथवेज फॉर फॉसिल फ्यूल, कैसे हम फॉसिल फ्यूल को फेज आउट जो है वो कर सकते हैं। इन्होंने ये शेड्यूल जो है वो दिया है बाय विच फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज मस्ट फेज आउट प्रोडक्शन फॉर 50% चांस ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस ओवर द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स कीपिंग इन माइंड CBDR यानी के कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए देशों को अपने फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन को बंद करना होगा। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट इतना बढ़ चुका है कि इस रिपोर्ट में साफ साफ ये बात कही गई है कि अगर सभी देश इस टाइम फ्रेम में अपनी फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन जो है वो बंद कर देते हैं तब भी सिर्फ और सिर्फ 50% चांसेस है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर्स को 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज तक रख पाएंगे। इससे ज्यादा इंक्रीज भी हो सकता है, इस बात की 50% चांसेस जो है वो तब भी बनेंगे। यानी कि अगर हम एक बहुत बड़ा, जो कि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है फेज आउट करने का फॉसिल फ्यूल्स को, उसको करने के बाद भी मात्र 50% चांसेस हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोक पाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो आप सोच सकते हैं कि कितने घातक परिणाम जो है वो सामने आएंगे। एज मैनी एज 19 कंट्रीज सच एज आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, कतर, नॉर्वे, जर्मनी फॉल इन द हाईएस्ट कैपेसिटी कैटेगरी। तो वो देश जिनको सबसे पहले फॉसिल फ्यूल्स को जो है वो फेज आउट करना होगा उसमें ये कंट्रीज शामिल है, जिनको 2034 तक 50% अपना जो टोटल ऑयल और गैस प्रोडक्शन है उसको बंद करना होगा, तभी हम 50% चांसेस लेकर के चलते हैं ये वार्मिंग जो है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोक पाएंगे। अब क्यों हमको जरूरत पड़ी कोल और गैस को फेज आउट करने की, ये तो हम समझ ही गए क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स और इनकी बर्निंग से काफी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है वो एनवायरमेंट में होता है और इसकी वजह से डायरेक्टली भी ह्यूमन लाइफ जो है वो इंपैक्ट हो रही है। करीब मिलियंस ऑफ प्री मेच्योर डेथ्स आर फ्रॉम एयर पॉल्यूशन ड्यू टू फॉसिल फ्यूल्स। ऑयल और गैस को बर्न करके जो एमिशन होता है उससे बहुत सारी मौतें होती हैं जो कि प्री मेच्योर डेथ्स है, यानी कि एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्पैन से पहले ही लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि यहाँ पर उनको पॉल्यूशन जो है वो फेस करना पड़ता है। और पॉल्यूशन का कारण क्या है? पॉल्यूशन का कारण ये फॉसिल फ्यूल्स है। पॉल्यूशन में भी इंडोर, एग्जाम्पल हीटिंग और कुकिंग, ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन सिर्फ बाहर ही जाएंगे या किसी पॉल्यूटेड एरिया में, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में ही जाएंगे तो ही होगा। घरों के अंदर खाना बनाने के लिए, चीजें गर्म करने के लिए भी जो फ्यूल यूज होता है उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है, और बाहर जाकर के व्हीकल एग्जॉस्ट है, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है, वो तो कॉन्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। तो फॉसिल फ्यूल फेज आउट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग एज दे अकाउंट फॉर ओवर 70% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। बड़ा सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक जो है वो, ग्रीन हाउस गैसेस से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो हमको ग्रीन हाउस गैसेस जो है इनका इनकी एमिशन को रोकना होगा, और इस एमिशन के लिए 70% रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फॉसिल फ्यूल्स की। यानी कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स के यूज को बंद कर देते हैं तो हम 70% ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोक देंगे और इससे अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मेजर फैक्टर जो है वो ये फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे लिए साबित होगा। ये कैसे किया जा सकता है? हमको रीन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो करना होगा, यानी कि हमको फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ करके ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे जाना होगा जो नवीन करनी है, यानी कि जो इजीली रिन्यू जो है वो किए जा सकते हैं। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि फॉसिल फ्यूल बर्निंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, इसके साथ जॉब्स जो है वो क्रिएट होंगे क्योंकि जब हम नए शिफ्ट कर रहे हैं, हम
ट्रेडिशनल सोर्सेज के बजाय हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जा रहे हैं, तो वहां पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। अगर सोलर एनर्जी की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, बायोमास एनर्जी की बात करेंगे, तो इन सभी एनर्जी पोटेंशियल्स को हार्नेस करने के लिए हमको इक्विपमेंट चाहिए, हमको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चाहिए। यानी कि एक बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से डेवलप हो सकता है। तो ये एक एडेड एडवांटेज होगा, पॉल्यूशन तो कम होगा ही, ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन तो कम होगा ही, लेकिन लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर जो है वो पैदा होंगे जब इस तरीके से नए नए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स जो है वो डेवलप होंगे। ये जर्मनी के केस में देखा गया, जहां पर जब जर्मनी के अंदर फॉसिल फ्यूल एमिशन को खत्म करते हुए विंड पावर की ओर सरकार ने अपना रुख जो है वो किया, तो विंड पावर सेक्टर में बड़े पैमाने पर लोगों के लिए रोजगार के अवसर जो है वो सामने आए। फ्रांस के केस में भी ऐसा ही देखा जा रहा है, न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री, फ्रांस के अंदर जब न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री की ओर सरकार ने रुख किया, तो आज की डेट में फ्रांस की 75% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से आ रही है, और इस सेक्टर में सैकड़ों की तादाद में नई नौकरियां जो है वो पैदा हुई हैं। नया इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की दिशा में हुआ है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत थी, इंजीनियर्स की जरूरत थी, रेडिएशन प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट की जरूरत थी, तो नए नए रोजगार के अवसर भी जो है वो सामने आए हैं। तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी, एज एन एडवांटेज जो है वो इस रिपोर्ट में प्रेजेंट किया गया है कि आप दो बेनिफिट्स जो है वो एक साथ ले पाएंगे अगर आप फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करते हैं। तो ऑयल और नेचुरल गैस, और वैसे भी दोस्तों ऑयल और गैस जो है ये दो फैक्टर्स हैं जो ग्लोबली देशों के रिलेशंस को, पॉलिटिक्स को जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो हमारे सामने है आज की डेट में यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान, क्योंकि जब लगातार वेस्ट द्वारा सैंक्शंस रशिया पे लगाई जा रही है, सिचुएशन में रशिया जो है वो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे अपना क्रूड ऑयल जो है वो बेच रहा है, तो ऑयल और गैस जो है वो ग्लोबल सिनेरियो में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग देशों की इकोनॉमीज जो है वो इंपैक्ट होती है। तो बहुत बार इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो देशों में देखा जाता है, जिसकी एग्जांपल जब क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो रशिया जो कि एक वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का, वहां से सप्लाई जो है वो अलग अलग देशों में नहीं हो पा रही है। तो इस युद्ध के कारण कुछ ऐसे देश भी जो है वो प्रभावित हो रहे हैं जिनका इस वॉर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं था। तो क्योंकि पॉल्यूशन फैलाने के साथ साथ फॉसिल फ्यूल बर्निंग जो है, ऑयल और गैस की बर्निंग जो है वो ग्लोबल सिनेरियोज में भी इकोनॉमीज के लिए एक हैम्परिंग इम्पैक्ट जो है वो पैदा करती है, तो इस वजह से इसको फेज आउट करना जो है वो कहीं ना कहीं सभी देशों के हित में जाएगा बहुत ही लार्ज स्केल पर। अब यहां पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग दरअसल क्यूमुलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, किस जगह पे किस देश में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहलाता है। तो हमको सबसे पहले जरूरत है कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को जो है वो कम करें, हम ये चीज को सुनिश्चित करें कि हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन को टोटली जो है वो खत्म कर दें। द रिचेस्ट कंट्रीज मस्ट रिड्यूस देयर ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बाय 74% बाय 2030। 2030 तक जो अमीर देश है उनको अपनी प्रोडक्शन को 74% तक कम करना है, और 2034 तक टोटल डिक्लाइन जो है, टोटल बंद जो है वो ऑयल और गैस की प्रोडक्शन को करना होगा। अगर हम रिपोर्ट के अंदर मेंशन अलग अलग देशों के लिए दिए गए टाइम फ्रेम को देखें, तो जो डेवलप कंट्रीज हैं जिसमें कनाडा, नॉर्वे, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश आते हैं, इनको 2034 तक टोटल फेज आउट करना होगा अपने ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को, और 2030 तक 74% तक रिडक्शन करना होगा। जो कुछ और कंट्रीज, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, मलेशिया, रशिया आदि, इनको 2039 तक कंप्लीटली फेज आउट करना है। ब्राजील, चाइना जैसे देशों को 2043 तक फेज आउट करना है। अल्जीरिया, अजरबैजान, इजिप्ट जैसे देशों को 2045 तक, और भारत, अंगोला, इराक, लीबिया, इन देशों को 2050 तक अपनी टोटल फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन जो है उसको कंप्लीटली वाइप आउट करना होगा, और 2030 तक भारत को 14% रिडक्शन जो है वो ऑयल और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन में करना होगा। ये चीजें इस रिपोर्ट में मेंशन है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो कमिटमेंट था ऑप 21 में, क्योंकि वो लीगल बाइंडिंग था, हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी कॉप 21 की जो 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने की कंडीशन है, उसको पूरा करने के चांसेस जो है वो 50% है। तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो है वो भारत और सभी देशों के लिए यहाँ पर सामने आ सकता है। अब एक सवाल है कि ठीक है सर, हमने मान लिया कि हम फेज आउट कर देंगे, हम धीरे धीरे इनको जो है वो इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूट, विकल्प क्या है, ऑल्टरनेटिव्स क्या है? तो ऑयल और गैस के ऑल्टरनेटिव्स जो है वो हमारे पास बहुत सारे मौजूद हैं, जिनको हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। आपने सुना होगा एनर्जी सोर्सेज जो है वो या तो रीन्यूएबल है,
या फिर नॉन रिन्यूएबल है। अब रिन्यूएबल नाम से समझ आता है जो दोबारा से अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। भैया सौर ऊर्जा अगर आपने इस्तेमाल कर दी तो ऐसा नहीं है कि आज आपने सूरज की रोशनी से बिजली बना दी तो कल सूरज आपको रोशनी देने से मना कर देंगे। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल हम फॉसिल फ्यूल्स के अगेंस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ना तो ये रिप्लेनिश होंगे और इनके इस्तेमाल से किसी प्रकार का इमिशन भी जो है वो नहीं होगा। इसमें सबसे पहले आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जल विद्युत प्रणाली जिसको कहते हैं, पन बिजली, पानी से बिजली बनाना जो है। 2015 में दुनिया भर में जो वर्ल्ड की टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो 16.6% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से थी। एक समय पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का सबसे इजीएस्ट विकल्प जो है वो था थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी क्या थी, यहाँ पर कोयला जो है वो बर्न किया जाता था और बिजली बनाई जाती थी, लेकिन 2015 में 16.6% जो है वो वर्ल्ड की टोटल इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर से आई थी और 70% ऑफ ऑल रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी बनी थी उससे 70% जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आई थी। अब पानी से बिजली बनाने से किसी प्रकार का एमिशन जो है वो नहीं होता है, हालांकि बहुत बार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो कुछ कॉन्स भी गिनाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था, एक नदी के बहाव को रोक करके एक बहुत बड़ा रेजर्वॉयर बनाया जाता था जहां पे पानी को रोक लिया जाता था। अब क्योंकि रेजर्वॉयर में पानी को रोका जाता था तो इससे पानी का फ्लो जो है वो इम्पैक्ट होता था और जो लोअर लाइंग एरियाज है जो इस नदी के पानी का इस्तेमाल करते थे वहां पर पानी की समस्या हो जाती थी। प्लस ये रेजर्वॉयर जो है इस पे हमेशा खतरा बना रहता था, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में ये रेजर्वॉयर जो है अगर ये डैमेज हो जाता है तो बड़े इलाके को ये नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अब इसके लिए रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो है उनको प्रमोट किया जा रहा है। रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स क्या है, यहां पर नदी के पानी को ब्लॉक नहीं किया जाता, कोई रेजर्वॉयर नहीं बनाया जाता, बल्कि नदी के ऊपर ही एक डैम जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो बना दिया जाता है। तो नदी का पानी आता है इस डैम में, टर्बाइन्स को घुमाता है और बिल्कुल उसी स्पीड से उसी वॉल्यूम में आगे की ओर चला जाता है। इससे किसी प्रकार का पानी की शॉर्टेज जो है या पानी का कंजम्पशन जो है या पानी की होल्डिंग जो है वो नहीं होगी, इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। और कन्वेंशनल डैम्स जहां पर हम बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाते थे जो कि बहुत सारे एरियाज में एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक होते थे, उनको जो है वो अब रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट से रिप्लेस किया जा सकता है। तो सबसे पहला सोर्स हमारे पास रन ऑफ रिवर्स है। फिर विंड एनर्जी आता है। विंड एनर्जी में भी हम हवा के माध्यम से टर्बाइन्स को जो है वो चला करके बिजली बना सकते हैं और बहुत सारे देशों में इसको जो है वो बतौर एक इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स जो है वो यूज किया जा रहा है। टर्बाइन्स को घुमा करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उसको ट्रांसमिशन नेटवर्क के साथ में जोड़ते हैं। सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स है। सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स क्या करते हैं, वो सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। इसके लिए अलग अलग जगहों पर फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन जो है, सोलर पावर स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं। हमने कल ही एक वीडियो में बात करी थी कि अब सोलर पावर स्टेशन जो है वो स्पेस के अंदर भी बनाए जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा देश ऐसा है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है। पहली बार अंतरिक्ष के अंदर सोलर पावर स्टेशन जो है वो सेट होगा जिससे बिजली जो है वो बनाई जाएगी। सोलर पावर प्लांट्स हैव नो फ्यूल कॉस्ट और एमिशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। सूरज की रोशनी को फोटोवोल्टिक सेल्स में कैप्चर किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, कोई फ्यूल नहीं लगता है, कोई एमिशन नहीं होता है। उसके बाद बायोमास, बायोलॉजिकल मटेरियल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानवर हैं, पत्ते आदि हैं, इनको इकट्ठा करके इनसे बायोमास से जो है वो प्रोडक्शन की जाती है पावर की। इसको जो है वो बायोमास से आने वाली एनर्जी जो है वो कहा जाता है। ये भी अगेन एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। तो इस तरीके के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं। इन अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करते हुए फेज आउट जो है वो किया जा सकता है फॉसिल फ्यूल्स को, खास करके ऑयल और गैस को। आज बहुत सारे देश जो है वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे देशों ने बैन भी जो है वो कर दिया है ऑन कंबस्चन इंजन व्हीकल्स, ऐसे वाहन जो पेट्रोल डीजल फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते थे, उनको बहुत सारे देशों ने बैन भी कर दिया है। और उनका उद्देश्य ये है कि अब या तो नई गाड़ियां जो है वो पूर्ण रूप से बिजली से चलें और ये बिजली भी जो है वो नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स से आ रही हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हमने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को जो है वो बंद कर दिया और हम कह रहे हैं कि सिर्फ बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाई जाएंगी, लेकिन इन गाड़ियों को चार्ज करने के लिए जो बिजली है अगर वो थर्मल प्लांट से आ रही है तो फिर ये पूरा का पूरा पर्पस डिफाई हो जाता है। तो सौर ऊर्जा से, हाइड्रो एनर्जी से, विंड एनर्जी आदि से हम बिजली पैदा कर रहे हैं और उससे अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। तो इस प्रकार के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो है वो देशों के द्वारा लिए जा रहे हैं और ये लेना बहुत जरूरी भी है, तभी हम
अपनी कमिटमेंट्स को भी पूरा कर पाएंगे जो COP21 में देशों ने करी, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो दुनिया भर में लोगों को फेस करनी पड़ेगी। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टडी आई क्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, आप जुडिशियरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई क्यू पर मिलेंगे। आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं ये कोड SHUB33 कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आई क्यू पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।